बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, चैनल पे रहेगा। ओके, करने वाले इंडिया के बारे में और उसके वर्ल्ड के साथ रिलेशन के बारे में और इंडिया के पड़ोसी पड़ोसियों के बारे में और भी चीज़ों के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो इंडियन लैंडमास है यानी जो इंडिया है, उसके पास एक तरीके से सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, और इसके साथ ही जो इंडिया है वो एक तरीके से साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। तो इन दोनों चीजों को मैं पहले आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि आखिर मैं यहां पर क्या किया रहा हूं और ये किताब आपको समझाना क्या चाहता है। तो ये देखिए, यहां पर हमारे पास वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं एशिया को यहां पर हाईलाइट किया गया है येलो कलर में, और इसमें आप जिस तरीके से देख सकते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या फिर इंडिया जो कंट्री है वो पूरी तरीके से एशिया के सेंटर में आती है। तो इसको आप अगर बीचों बीच इस तरीके से देखे तो आधा इधर सेंटर में हमारा क्या आ जाता है, इंडिया आ जाता है। ये जगह हमारा इंडिया सेंटर में आ जाता है, और इसके साथ ही जो इंडिया है वो देखने में ऐसा लगता है कि जो इंडिया है उसको अलग से इस एशिया में जोड़ा गया है, और ये एक तरीके से एक्सटेंशन है इस पूरे एशिया का, साउथवर्ड एक्सटेंशन है। इसको साउथ की तरफ बाहर निकाला गया है, खींच के निकाला गया, इस तरीके का देखने में हमें फील होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पर समझ लिया, इन दोनों चीज़ों को की बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि देखिए, जो इंडियन ओशियन से जो रूट्स होकर गुजरते हैं, जो कि यूरोप के कंट्रीज़ को या फिर वेस्ट के कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं ईस्ट एशिया के कंट्रीज से, तो इस वजह से जो इंडिया है उसके पास काफी एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है इस पूरे इंडियन ओशियन में, जिसके वजह से जो पूरा ट्रेड रूट है उसके ऊपर इंडिया चाहे तो निगाह रख सकता है, कंट्रोल रख सकता है। हाँ, इसके सेंट्रल पोजीशन की वजह से ट्रेड रूट पे इसका निगाह रख सकता है, इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है, समझ रही है? है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो एक तरीके से इंडियन ओशियन की ओर बाहर निकला हुआ है, और इस वजह से इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया के साथ भी क्लोज कॉन्टैक्ट रख सकता है, और इसके साथ ही अफ्रीका और यूरोप के साथ भी, और इसके साथ ही वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, और इसके साथ ही साउथ ईस्ट जो है या फिर ईस्ट एशिया, इन सभी जगहों पर जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया जो है वो आसानी से रिलेशन रख सकता है। तो इसको भी मैं थोड़ा मैप के जरिए समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया है, इस जगह पर इंडिया है हमारा। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो रीज़न है, ये रीज़न तो इस तरफ से हम अफ्रीका से भी कांटेक्ट रख सकते हैं, अफ्रीका से भी, वेस्ट एशिया से भी, यूरोप से भी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी से हम इस तरफ से ट्रेड कर सकते हैं, रिलेशन रख सकते हैं। और इधर जो हमारा ईस्ट एशिया है या फिर जो हमारा और भी रीजन है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी के साथ इस तरफ से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये बाहर निकला हुआ है इंडिया का ये कोना, इसकी वजह से हम जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है उसके साथ भी ट्रेड कर सकते हैं आसानी से, ईस्ट वर्ल्ड के साथ, और जो वेस्ट वर्ल्ड है उसके साथ भी ट्रेड आसानी से कर सकते हैं या फिर रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी एक तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन में कोई भी ऐसी दूसरी कंट्री नहीं है जिसके पास इतना लंबा कोस्ट लाइन हो, और इस वजह से इंडिया को एक तरीके से एमिनेंट पोजीशन प्राप्त है इंडियन ओशियन में, और इसी रीज़न से इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया। यानी जो इंडियन ओशियन यहाँ पर हम नाम देख रहे हैं, इसका नाम इसी वजह से रखा गया है क्योंकि जो इंडियन ओशियन है उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर बात की गई, इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो देखिए, अगर इंडिया का रिलेशन की बात करें वर्ल्ड के साथ, वो कई सालों से चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है, लेकिन जो लैंड रूट के जरिए जो एक तरीके से रिलेशन है वो काफ़ी पुराना है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं मैरिटाइम कॉन्टैक्ट से। तो मैरिटाइम कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो वो करीब 700-800 साल
या फिर 500 साल से चल रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं आपके लैंड रूट के जरिए ट्रेड की या फिर रिलेशनशिप की, वो करीब हमारे 2000 साल 3000 साल पुराने हैं और इसके एविडेंस भी अवेलेबल हैं, 3000 4000 साल पुराने एविडेंस अवेलेबल हैं। तो देखिए, इसके अलावा जो वेरियस पासेज हैं जो कि माउंटेन से होकर गुजरते हैं नॉर्थ में, वो एक तरीके से जो एंशियंट ट्रेवलर्स हैं उनको पैसेजेस प्रोवाइड करते थे, और इसके अलावा जो ओशियंस जो थे उनका एक तरीके से रास्ता उस समय मालूम नहीं था। यानी लोग अगर मान लीजिए नाव के जरिए आना चाहते हैं या फिर बोट्स के जरिए आना चाहते हैं, तो उनको एक तरीके से रास्ता नहीं मालूम था कि अफ्रीका से इंडिया कैसे आया जाए या फिर यूरोप से इंडिया कैसे आया जाए। तो देख सकते हैं कि इस रीजन से तो लोग आते थे, ट्रेड होता था, रिलेशनशिप थे, लेकिन जब हम ओशियन ट्रेड की बात करते हैं या फिर रिलेशन की बात करते हैं, वो करीब आज के 500 साल पहले, करीब 1500 ईस्वी के आसपास, वो काफ़ी ग्रो हुआ, काफ़ी उसने इम्पोर्टेंस प्राप्त किया। लेकिन जब हम बात करते हैं जो लैंड रिलेशनशिप है, वो काफ़ी सालों से चल रही है, हजारों साल, कई हजार साल से चल रही है, तो उसका रीज़न ये है कि ये इसके रूट्स लोगों को पता थे, लोग आ जा सकते थे एक जगह से दूसरे जगह, और ओशियन रूट्स लोगों को पता नहीं थे। और इन रूट्स की वजह से, जितने भी हम बात करते हैं लैंड रूट्स की, उनकी वजह से जो आइडियाज़ हैं या फिर जो कमोडिटीज़ हैं वो ट्रैवल होते थे एक जगह से दूसरी जगह, और जो आइडियाज़ है उपनिषद के, रामायण के, और पंचतंत्र के स्टोरीज़, और या फिर जो इंडियन न्यूमरल्स हैं या फिर जो डेसिमल सिस्टम है, ये वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में पहुंचा इसी ट्रेड की वजह से या फिर इसी रिलेशनशिप की वजह से। इसके अलावा जो स्पाइसेस है, मसलिन है, या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं जिनको इंडिया से ले जाया गया और दूसरी कंट्रीज़ तक पहुँचाया गया, और इसके अलावा दूसरे जगहों की बात करें जैसे जो ग्रीक स्कल्पचर है या फिर आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम का या फिर मिनारेट्स का, ये वेस्ट एशिया से हमारे कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में पहुंच पाया। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है या फिर जो ट्रेड हम कह सकते हैं, उसने इंडिया के एक तरीके से सोसाइटी को शेप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, और इंडिया के जो चीज़ें हैं उनको वर्ल्ड तक पहुंचाने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। तो देखिए, इंडिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, क्या होता है डोम, क्या ये डोम लिखा हुआ है, देखो कहा ये से डोम लिखा है, क्या मतलब है कहां पे डोम? डोम होता है गुंबद, क्या होता है गुंबद? हाँ, गुंबद जो मस्जिद के ऊपर बना होता है ना, ऐसे गुंबद, ठीक है, आया समझ में? गुंबद, हाँ गुंबद, गुंबद मस्जिद के ऊपर नहीं बना रहता है। और मिनारेट्स क्या होता है? मीनार, कुतुब मीनार देखा है ना? हाँ, तो मीनार होते हैं, मिनारेट्स इज मीनार, जिस का मीनार, हाँ डोम पोजीशन साउथ एशिया में रखता है। और इंडिया के पास करीब 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए, अब 28 नहीं 29 स्टेट्स हो गए हैं, ये मैप यहाँ पर या फिर ये जो डाटा, ये आपको गूगल करके निकालना पड़ेगा, 29 स्टेट्स हो गए है, ये पुराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश है इसको इस तरीके से अलग करके यहाँ पर तेलंगाना बना दिया गया है, तो ये मुझे लगता है कि ये आपको पता होगा। तो देखिए, इंडिया जो है वो अपने लैंड बाउंड्रीज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और इसके अलावा जो सदर्न नेबर्स हैं जो कि सी के जरिए, सी में नेबर्स हैं, वो दो आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हमारे श्रीलंका है और मालदीव्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स हैं। जो श्रीलंका है वो सिर्फ एक नैरो चैनल के जरिए सेपरेटेड है, जिसे कि हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं या फिर गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। और जो मालदीव आइलैंड्स है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में स्थित है,
स्थित है। और जो इंडिया है उसके पास एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक है उसके नेबर्स के साथ। और अगर आप फिजिकल मैप देखें एशिया का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो पूरे एशिया से बिल्कुल अलग दिखता है और अलग नेचर में है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि जो चाइना है या फिर और भी जो दूसरे रीजन्स हैं, उन सभी से अलग हमारा ये रीज़न है। और ये जो हमारा रीज़न है जिसमें अफ़गानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी जो आ जाते हैं, इनको हम एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप एशिया में तो इसे हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन एशिया में इंक्लूड करने के अलावा एशिया से काफी अलग इनका नेचर है। इस पूरे रीजन का अपना एक नेचर है, अपना एक स्टाइल है, अपना एक एनवायरनमेंट है, अपना एक क्लाइमेट है, और ये पूरे एशिया से अलग है, पूरे एशिया से डिफरेंट है। तो इसीलिए हम इस रीजन को इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो देखिए यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे। चैप्टर आपका यहां खत्म हो गया। अरे बात समझ में? Yes, sir. अब आपको इसको जाके चैनल पे देखना है, बार बार देखना है, एक एक पॉइंट समझना है कि क्या लिखा है, क्या चीज है, मैं डाउट के साथ देखूंगा, ठीक है? और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर दिए हुए आपको भेज दिया गया है। ओके ओके सर। हाँ बस तुम आज की क्लास ओवर कर रहा हूँ और उसके बाद तुम अब इसके बात करेंगे आगे। अब तुम इसका टेस्ट दोगे मंडे? मंडे को इसका टेस्ट देना है। हाँ कल क्लास नहीं होगी? कल इसकी क्लास नहीं होगी, इसकी ये एक चैप्टर हो गया, ये चैप्टर तैयार करोगे आप? ओके सर, मैं आज क्वेश्चन पहले चैनल पे देख लेना, पूरा जम के देखना, नोट करके आंसर ढूंढ लूंगी, फिर कल सुबह पापा के फोन में देख लूंगी। हाँ चैनल पे देखोगे तो तुमको पता चलेगा, ठीक है? हाँ सर, चैनल पे कल सुबह देख लूंगी, सुबह सुबह आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन करना, तब तुमको पता चलेगा। ओके ओके सर।